शंख की ध्वनि से हुआ कांवड़ यात्रा का प्रारंभ। बम बम भोले के जयकारों से गूंज रही गलियां। जबेरा विधानसभा के हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा का जल लेकर जागेश्वर नाथ अभिषेक के लिए हुए रवाना। नमस्कार। बम बम भोले के जयकारों से गलियां गूंज रही थी, शंख की ध्वनि से आरंभ हुई थी यह यात्रा और ये शंख ध्वनि की थी सीता चरणजू महाराज ने। मां नर्मदा का जल लेकर हजारों यात्री निकले थे कांवड़ लेकर। जा मध्य प्रदेश के जवेरा विधानसभा क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु, जिसमें छोटी सी उम्र के से लेकर वयोवृद्ध तक सम्मिलित हैं, सब शिव की मस्ती में मस्त वह यात्रा कर रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके अंदर कोई थकान नहीं थी, चेहरे पर एक उत्साह था, समर्पण का भाव था शिव के प्रति। मां नर्मदा का जल लेकर जो आगे बढ़ रहे थे और ये यात्रा आगे बढ़ती गई। विनोद राय के नेतृत्व में यह यात्रा लगातार निकाली जाती है और ये नौवा वर्ष है। यात्रा आगे बढ़ी और यात्रा पहुंची जबलपुर में दमोनाका पर, जहां विश्राम हुआ, भोजन हुआ और फिर क्या था, जो यात्री थे वह उत्साह से भरे हुए थे, कह रहे थे ये यात्रा जो है वह धर्म की है, अध्यात्म की है, त्याग की है और इसमें जो हमें सहयोग मिलता है, जो हमें आत्मशांति मिलती है वह कहीं नहीं मिल सकती। आइए लेके चलते हैं हम वहाँ पर जहाँ यात्रा का हो रहा है विश्राम और किस प्रकार यहाँ पर ये यात्रा में जो चलने वाले लोग हैं वह अपनी बात कह रहे हैं, वह किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं, इस विशेष समाचार में आपको दिखाते हैं। ये बड़े उत्साह में दिखलाई दे रहे हैं और चेहरे पर भारी प्रसन्नता दिखलाई दे रही है, क्या है पूरा मामला जी? बोलो नर्मदे मैया की जय, शंकर भगवान की जय। हाँ, हम लोग एक कांवड़ यात्रा जा रही है और हमारे कांवड़ यात्रा के संचालक परम सम्मान्य जनपद जवेरा के ब्लॉक अध्यक्ष परम सम्मान्य हमारे विनोद भाई साहब और परम सम्मान्य हमारे कुसुमी मारे महाराज जी, परम सम्मान्य हमारे अवध बिहारी विश्वकर्मा जी, परम सम्मान्य हमारे वृंदावन विश्वकर्मा जी, और ये मेला है और ये हमारी नौवीं सदी चल रही है। हम 9 वर्ष से हम लोग रेगुलर आते हैं और कार्यक्रम की व्यवस्था हमारे विनोद भाई साहब बनाते हैं और ये मेला रंगारंग मेला है। और मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि दारू खोर गंजेली गुंडा, कि दारू खोर गंजेली गुंडा, सबरे सुधर गए जो जो कांवर में गए। दारू खोर गंजेली गुंडा, सबरे सुधर गए जो जो कांवर में गए।
और भैया इनके का हो तो हम बता रहे कि पहले चढ़त रहती हड़िया, पहले इनके घर में हड़िया चढ़ी व्यक्ति के पहले चढ़ी रहती हड़िया, अब तो जा रहे मंदर मड़िया, इनके काम हो गए बढ़िया। और भैया कि इन कर्म करे थे ऐसे, इन कर्म या करे थे कि इन कर्म करे थे ऐसे, अब तो सुधर गए जो जो कांवर में गए, दारू खोर गलेड़ी गुंडा सब रे सुधर गए जो जो कांवर में गए। इनके इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात धर्म का नाम है कमल रानी। कितनी उम्र हो गई? 75 साल। अरे वाह, वो 75 साल की उम्र में आप दौड़ रही हो कांवड़ लेके, कहाँ से आ रही जा ऊर्जा? ऊपर वाले की महिमा है, भोलेनाथ की। भोलेनाथ की महिमा है, लगातार यात्रा कर रही पैदल? कितने सालों से चल रही है यात्रा? 5 साल आए थे और ये सारे। अच्छा, कौन से गांव की रहने वाली हो? कोड़ी गांव। इतने जब आती हो तो व्यवस्था वगैरह को करा तू? व्यवस्था अब दिन में आवे तो रात में अपने अपने घर से व्यवस्था रही हुई है। और जे बमोरी के का नाम है बिनोद, बिनोद है वे करा थे रास्ता व व्यवस्था। और जे खजानी थे भाई व्यवस्था तो गाँव बारह बजे करने वाले बेकार। अब आप का क्या वो चाहो अपनी तरफ से? हमारी तरफ से ऐसी रही बात है। पूर्ण माहौल है, चेहरे पर प्रसन्नता है और कांवड़ यात्रा बिल्कुल भोलेनाथ की बारात लेकर हम सभी कांवड़िया जा रहे हैं बांदकपुर धाम के लिए। लगभग 9 वर्षों से ये यात्रा निरंतर जारी है भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और माँ नर्मदा के आशीर्वाद से। सकुशल ऐसा माँ से वरदान मांगा है हमने कि हम सभी लोग माँ के इस जल से अभिषेक करें और समस्त क्षेत्र की खुशहाली के लिए यह संकल्प यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरे पर मुस्कुराहट है और माथे पे तिलक भी है, क्या ऐसी प्रसन्नता महसूस हो रही है कि आप आज इतने प्रसन्न दिखलाई दे रहे हैं? प्रसन्नता तो पहले से अधिक हो गई इस बार कांवड़ यात्रा, ये 9वीं कांवड़ यात्रा हम लोगों की। पहले कुछ गिने चुने लोग यात्रा में शामिल रहते थे लेकिन भोलेनाथ की ऐसी असीम कृपा हुई सब पर। यह जो यात्रा है 9वीं यात्रा है, पहले करीब 200-250 के समथिंग लोग इकट्ठे होते थे लेकिन इस बार प्रसन्नता का एक कारण और भी, 1000 के समथिंग में लोग इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। धीरे धीरे यात्रा बढ़ती जाती है जी, बिल्कुल लोग जुड़ते जाते हैं, किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा भगवान भोलेनाथ से आस्था है और जो कुछ कराते हैं मतलब भोलेनाथ ही इसका श्रेय उन्हीं पर जाता है, प्रेरणा वही देते हैं, मन से आत्मा से प्रेरणा मिलती है और लोग इस कांवड़ यात्रा में अधिक से अधिक शामिल होते हैं। जैसे कि मतलब रास्ते में व्यवस्थाएं होती हैं और क्षेत्र में भी व्यवस्थाएं होती हैं, तो इसमें कौन रहता है सहभागी और कौन आगे आता है? इसमें सहभागी जो हमारे जो पहले पूर्व से ही सहभागिता निभा रहे हैं हमारे जो विनोद भैया हैं, कि जो जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं जबेरा क्षेत्र से, उनका योगदान बहुत रहता है। और ऐसे बहुत से ऐसे कांवड़ यात्री के सहयोगी हैं जिसका नाम तो संभव नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे हैं सहयोगी जो इस यात्रा को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जगह जगह भंडारे करवा रहे हैं, जगह जगह पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं और जो व्यवस्था ऐसी रहती है रहने की ठहरने की सब कुछ उनका सहयोग से हो रहा है। आप जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? हमारी तरफ से संदेश यही होगा कि धर्म से लोग जुड़े, है ना, धर्म से लोग जुड़ेंगे, आस्था बनेगी, ईश्वर को मानेंगे तो कुछ ना कुछ उनको जरूर मिलेगा। इस टाइप का हमारा रहता है कि धर्म से लोगों को जुड़ना चाहिए, जितना भी बन सके करते रहना चाहिए। ये बात है।
We'll be right back.